क्या आप सबने भी रिसेंटली एक अर्बन क्रूजर हाई राइडर या फिर ग्रैंड विटारा परचेज करी है एंड उसके ऑडियो सेटअप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज जो कार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है अर्बन क्रूजर हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का टॉप एंड मॉडल। एंड जिस कस्टमर को हमारी कार बिलोंग करती है वो काफ़ी हमारे रेगुलर कस्टमर है एंड पहले भी अपनी 4-5 कार्स में हमसे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑडियो ग्रेड्स वो करवा चुके हैं। तो बट जब उन्होंने ये वाली कार परचेज करी एंड इसका ऑडियो सेटअप उन्होंने सुना, ही वो सो वेरी डिसअपॉइंटेड। वो कहते हैं मुझे इसका ऑडियो सेटअप सुन के बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो कुल मिला के वो हमारे पास वो आए एंड उनकी बस एक ही रिक्वायरमेंट थी, वो कहते हैं जैसे आप हमें अपने पहले वाली कार्स में आपने हमें एक अच्छे प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड्स करके दिए, सो इस कार के अंदर भी मुझे एक नेक्स्ट लेवल ऑडियो अपग्रेड चाहिए। एंड बाय नेक्स्ट लेवल उनका ये मतलब नहीं था कि उन्हें बहुत लाउड सेटअप कार के अंदर चाहिए, वो अपने घर पर बोस का होम थिएटर सुनते हैं। सो बोस के होम थिएटर की जो सबसे स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि उसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, बीट द बेस, बीट द ट्रेबल, सब कुछ एक बैलेंस्ड आउटपुट हमें मिलता है। सो वैसे ही बैलेंस्ड आउटपुट हमें उन्हें अपनी हाई राइडर के अंदर भी चाहिए था। वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी ब्राइट साउंड अपनी कार के अंदर नहीं चाहिए। सो इस कार के अंदर हम एक कंप्लीट सेटअप करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 2 सेट्स ऑफ कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल करेंगे, उसको ड्राइव करने के लिए 4 चैनल एम्पलीफायर भी इंस्टॉल करेंगे एंड साथ में लो फ्रीक्वेंसी बेस के लिए एक सबवूफर भी इंस्टॉल किया जाएगा। अब एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ये है वो प्रोडक्ट्स। तो स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मोरेल के मैक्सिमो अल्ट्रा कंपोनेंट स्पीकर्स एंड इसके 2 सेट्स कार के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, 1 ऑन द फ्रंट डोर्स, 1 ऑन द रियर डोर्स। एंड इनको ड्राइव किया जाएगा एक पाइनियर के 4 चैनल एम्पलीफायर के थ्रू विच हैज़ हाई रेज ऑडियो, यानी कि जो हमें क्लैरिटी मिलेगी साउंड की वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। एंड जो सबवूफर हम इंस्टॉल करेंगे दैट इज़ गोना बी सोनी का अंडर सीट सबवूफर है, बट इसको सीट के नीचे नहीं इंस्टॉल किया जाएगा, इसको एक स्पेशल लोकेशन में इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी वेरी सून में आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा अलॉन्ग विद द स्पीकर्स कि कैसे सब कुछ इंस्टॉल किया जाता है। सो फाइनली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे स्पीकर्स की इंस्टॉलेशन। सो स्टेप नंबर 1 हमारा रहता है प्रॉपर साउंड प्रूफिंग। सो साउंड प्रूफिंग जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट डोर पे काफ़ी नीटली यहाँ पे कैरी आउट की गई है एंड साथ ही के साथ स्पीकर्स का जैसा कि आपको हमारे प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन पता है यूजिंग अ स्पेसर एंड वाटर गार्ड, वेरी नीटली स्पीकर को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एंड यही अगर मैं आपको दिखाऊं इसके क्रॉसओवर की इंस्टॉलेशन, सो क्रॉसओवर की इंस्टॉलेशन भी आपके सामने है, सारे के सारे थिम्बल्स को अपनी जगह पे प्रॉपर यहाँ पे जैकेट करके इंस्टॉल किया गया है एंड सबके प्रॉपर टाइबल से लगाया गया ताकि बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन वायरिंग कार के अंदर होनी चाहिए एंड बिल्कुल भी किसी वायर का कोई शॉर्ट होने का चांस नहीं होना चाहिए। साथ ही के साथ अगर हम बात करें इसके रियर वाले स्पीकर्स की, सो रियर वाले स्पीकर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल होकर पैक हो चुके हैं एंड जो ट्विटर है उसको वेरी नीटली यहाँ पे फ्लश माउंट करके इंस्टॉल किया गया एंड कहीं से भी आपको किसी भी तरह की कोई गैपिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही के साथ एक छोटी सी चीज़ हमने इस कार के अंदर और ऐड करी, दैट इज़ द एम्बिएंट लाइट्स। सो एम्बिएंट लाइट्स भी जैसे कि देख सकते हैं इस डोर के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल की गई है एंड लगने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री फिटेड ही आई हो, आफ्टर मार्केट फील बिल्कुल भी नहीं आ रही। एंड सेम आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलेगी, डैशबोर्ड वाली एम्बिएंट लाइट को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल किया गया। अगर हम बात करें अपने 4 चैनल एम्पलीफायर की, तो ये है हमारा पाइनियर का 4 चैनल एम्पलीफायर जिसकी अगेन आप देख सकते हैं सारी वायरिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन अंडरग्राउंड कैरी आउट की गई है एंड सबको यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लगाया गया है। सो ये इसकी आरसी केबल्स। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अनटाइडी जॉब हम बिल्कुल भी कार के अंदर कैरी आउट नहीं करते। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वूफर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हम स्पेशल लोकेशन पे वूफर को लगाने जा रहे हैं। सो ये है हमारा वूफर जो कंपनी ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड करती है, वहीं पे इस वूफर को इंस्टॉल किया गया है एंड इसकी हार्डनेस आपके सामने है, हार्डनेस को भी प्रॉपर यहाँ पे जैकेट करके इंस्टॉल किया गया है एंड इसको यहाँ पे प्लग कर दिया जाएगा, दिस इज़ अ प्लग एंड प्ले वूफर। तो अगर कभी हमें इसको रिमूव भी करना है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं कपलर को रिमूव करके एंड जब इसको लगाने तो हम अटैच भी कर सकते हैं, इट इज़ सिंपली प्लग एंड प्ले। तो अब ये तो सारा हो गया हमारा का सारा सेटअप। अब सिंस सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ प्रॉपर ट्यूनिंग एंड जैसे हमारी कार के अंदर ट्यूनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा इसका एक परफेक्ट साउंड आउटपुट।
सो गाइस, जैसा कि आपने अभी अभी एक्सपीरियंस किया कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है दैट इज वेरी प्योर इन नेचर. लाइक एक एक नोट की क्लैरिटी आपको काफी डिस्टिंक्टली एक्सपीरियंस करने को मिल रही होगी. एंड ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है साउंड का वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, जिसके अंदर कभी भी हमें बेस भी ओवर पावर्ड नहीं फील हो रहा है, ना ही ट्रेबल पिंचिंग है. सब कुछ अपनी जगह पे काफी ज्यादा बैलेंस्ड है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कस्पर वांटेड. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनको अपनी कार के अंदर बिल्कुल एक बैलेंस साउंड आउटपुट चाहिए था, उनको कहीं से भी कोई चीज सुपर लाउड या सुपर शार्प नहीं चाहिए थी. सो जैसा उनकी रिक्वायरमेंट थी वैसे हमने उनको डिलीवर किया. एंड ही वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड जब उन्होंने सारा ऑडियो आउटपुट सुना, सब कुछ करा. ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड. दो आई आस्क्ड हिम कि अगर वो हमें कस्टमर रिव्यू देना चाहें, बट थोड़े से ही वॉज अ बिट कैमरा शाय, तो इसलिए वो कस्टमर रिव्यू तो नहीं दे पा रहे. बट हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला है दैट ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर था ही इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइड. एंड ओवरऑल हमारा यही मोटिव रहता है कि कस्टमर जब भी विजिट करें हमारे पास, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वी मेक श्योर कि वो एंड तक जैसा वो घर से इमेजिन करके आए हैं उससे भी बेटर ही हम उनको कुछ ना कुछ आउटपुट डिलीवर करें. सो दिस इज़ ऑल जो हमने इस कार के अंदर आज काम कैरी आउट किया है. आई होप कि आपको भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा. एंड अगर आप सब भी अपनी कार में ऐसा ही एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस. जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद द गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं. उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा. सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर. ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क, you can leave it in the comments box below, because your feedback is really very valuable to us. This is it for today's video. Thank you for watching. And agar abhi tak aapne is channel ko subscribe nahi kiya, then please subscribe to this channel and press the bell icon to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for the day. Thank you.